नमस्ते दोस्तों, रिलायंस जियो अपने गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत 15 अगस्त 2018 से कर रहा है। आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे अब इसके लिए जो प्लान्स मिलने वाले हैं उसकी भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, किस प्राइस रेंज पर आपको ये प्लान मिलने वाले हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरा नाम विजय और आप देखें टेक्निकल मंत्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के साथ आ जाए। दोस्तों, आपको पता है कि मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस की सालाना बैठक में ये घोषणा की थी कि 15 अगस्त 2018 से रिलायंस जियो के गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी और जिन शहरों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन प्राप्त की जाएंगी वहां पे सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, यहां पे आपको 15 अगस्त से इसकी रजिस्ट्रेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहां पे इसके लिए प्लान्स की जानकारी सामने निकल कर आई है। रिलायंस जियो के गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस के प्लान्स की जानकारी यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम में एक आर्टिकल छपा है। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि रिलायंस जियो के ब्रॉडबैंड सर्विस की कीमत जो है वो 500 रुपए से कम हो सकती है। यहाँ पे आपको इसमें इंटरनेट की सर्विस भी मिलेगी और यहाँ पे आपको केबल टीवी की सर्विस भी मिलेगी। यहाँ पे ये बताया गया है कि इसकी शुरुआत जो है वो दिवाली के आसपास हो सकती है। यहाँ पे दिवाली पर या फिर दिवाली के नजदीक रिलायंस जियो इसकी लॉन्चिंग कर सकता है। तो दोस्तों, आपको रिलायंस जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने के लिए दिवाली के आसपास मिलना शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे ये जानकारी मिली है कि इन प्लान्स की शुरुआत जो 500 रुपए से कम कीमत में हो सकती है। आपको 500 रुपए के कम कीमत में ये प्लान्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर मैं और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर या केबल ऑपरेटर्स की बात करूं तो आपको 100 GB का प्लान जो है वो 700 से लेके 1000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है और यहाँ पे आपको जो है वो 250 से लेके 300 रुपये टीवी प्लान्स के लिए अलग से चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों, रिलायंस जियो यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें 500 रुपये में देगा और यहाँ पे इसकी कीमत जो है वो बाजार से 50% कम है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी 15 अगस्त के बाद। आप इसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दिवाली के आसपास इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो के गीगा फाइबर की वेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी साबित हो सकती है क्योंकि रिलायंस जियो के इस सर्विस के बारे में यहाँ पे ये जानकारी मिली है कि 500 रुपये से कम कीमत में आपको ये सारी सर्विस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी सामने निकल कर आई है जियो के गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में। अगर आप इस सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप 15 अगस्त से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।